आज बड़ी खुशी और हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत के तत्वावधान में सभी संगठनों को लेकर सभी वाल्मीकि युवाओं के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हो रहा है। हम सब हमारे जो संगठन है वो हम सब मिलकर एक ही काम करना चाहते हैं, सामाजिक एकता और शिक्षा। आज हम बात करते हैं शिक्षा की, तो हमारे समाज में शिक्षा भी है और एकता हमारे समाज में वहां होती है जहां उस बात का महत्व ही नहीं होता। हमें हमारे समाज के लोगों को एकता वहां दिखाना चाहिए जहां हमारे समाज को जरूरत है, जहां हमारे समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, तब वहां पर हमें एकता दिखानी चाहिए। आज मैं देख रहा हूं पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, सभी नगर पालिकाओं में ठेकेदारी व्यवस्था भी चल रही है। आज हमारा जो 99% मैं वैसे बात नहीं करता हूँ सफाई कर्मचारियों की, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि 99% हमारा समाज उस नगर निगम में ही लिप्त है। तो मैं केवल एक जो मेरा उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि आज ये जो हमारी आज जो हमारा हमारे लोग हैं इस समय के जो नगर निगम में कार्य कर रहे हैं, बस वही लोग करते रहे, लेकिन अगर इस समाज का उत्थान करना है तो अभी से अपने बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दें और आने वाली पीढ़ी नगर निगम में झाड़ू ना उठाए, कलम की ताकत पर कलेक्टर बने, अधिकारी बने, यही मेरा मिशन है। और समाज में एकता तभी आती है हमारे सभी संगठनों को एक होकर समाज के ऊपर हो रहे शोषण के प्रति एक साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए। हम सबको अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए और हमारा उद्देश्य केवल एक ही होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। जैसे कि मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत के लोग धाड़ते हैं,